मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट एपिसोड ऑफ बरकत उज़्मी जो था वो बेस्ट था, और उसके बाद जब इनके चैनल पे बरकत उज़्मी के साथ वो पिल्ले आया था, दैट वन, मतलब ये दोनों जो वीडियोज है ना मेरे फेवरेट है अहमद खान के पॉडकास्ट वाले, क्योंकि इतना मजा आया था ना भाई साहब, आई कुडंट इवन एक्सप्लेन अबाउट इट। सो लेट अस सी हाउ दिस बेस्ट ऑफ अहमद खान पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। उल्टी गिनती सुना? अच्छा, ये कैपिटल या स्मॉल? ए साले, तो गिनती में क्या, तो ABCD। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो तुम किस चीज का कारोबार करना चाहोगे? अहमद भाई, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहूंगा। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट? मतलब के अंदर बाहर। थाईलैंड करा दे पास। तो यार भाई, इतने पुराने आर्टिस्ट हैं, उस वक्त जो है इंसान घोड़े पे नहीं बैठता था, घोड़ा इंसान पे बैठता था। ऐसे इस वक्त आप लग रहा है गधे पे बैठे। ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ देखो, ये होते हैं सीनियर, और मैं कहता हूँ सुबह सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल वो मुझे नहीं चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने देखा जिन लोगों की बीवियां बहुत खूबसूरत होती हैं वो शाम को 6 बजे दोस्तों से कह रहे होते हैं चल यार मैं निकलता हूँ सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, और जिन लोगों की बीवियां ऐसी होती ना वो रात को 3 बजे भी दोस्तों से कह रहे होते हैं यार बैठना यार कहाँ जा रहा है। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूं, तुम मेरी फिक्र। और मैं कहता हूँ जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए ना, जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए तो समझ जाओ वो ज़हनी तौर पे बीवी बनने के लिए तैयार है। ये तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पैदा होने वाली ख्वातीन से बहस नहीं करते? यार एक शरारती बंदा आया था, वाकई कमाल, उसको कहा तो उसने चश्मा पहना, मैंने कहा दोनों आंखें जब मैंने रेटिना उसको पीछे चेक की तो मैंने कहा आपकी ये आंख जो है इसमें थोड़ा मसला है और इसमें ये बिल्कुल ठीक है, कहना ये मैंने रिजर्व में रखी हुई है और ज्यादा इस्तेमाल में ये कर रहा तो मैंने उसको कहा कैसे इस्तेमाल करे ऐसे। उसमें एक सवाल है मेरा, आप इस बात को मानते हैं कि नाराज बीवी से बहस करना ऐसा है जैसे दादी को आईफोन के फंक्शन समझाना? ओ भाई, ऐसा नहीं है यार। मोटरसाइकिल और बॉयफ्रेंड में एक चीज कॉमन है, मैंने बोला क्या करी, मोटरसाइकिल को पहले किक मारते फिर यूज करते, और बॉयफ्रेंड को पहले यूज करते फिर किक मारते। सर, दिलीप कुमार साहब से पूछा गया कि आप जब ये कैसे मेंटेन करते हैं आप दिलीप कुमार साहब और आम जिंदगी में ऐसे ही रहते हैं, करें जब कैमरा बंद होता है तो मैं यूसुफ खान हो जाता हूँ और जब कैमरा खुलता है मैं दिलीप कुमार हो जाता हूँ। एक बंदा जब टेक ऑफ होना, एक बंदा कह लेगा एरोसुफ को बुला के, कह लेंगे वो ये LCD नहीं चल रही, करें जहाज चल रहा है काफी नहीं है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हाथ दो। ये रहा हाथ दिया। कभी ना छोड़ने वाला वादा करोगे? मेरे होने वाले बच्चे के पापा बनोगे? हाँ। वही तो यार। तेरा कोई नहीं। तो फिर इससे शादी कर लो ना, शादी क्यों नहीं कर रही इससे? शादी मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना शादी के लिए, घर वाले बोले किसी कुत्ते से कर ले शादी मगर इससे नहीं करने देंगे। इंसान के बच्चे बन, अभी मैं तेरे को बताऊं क्या मांगोगी मोदी खाई में। मोदी खाई में मैं 5 लाख मांगूंगी। है भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ एक काम कर भाई, मुंह रहने ही दे फिर। हाँ सर, आई हमारी स्वागत है, तुम कितनी खुश हो बताओ? आप भी ना बड़े शरारती हैं। मैं शरारती नहीं हूँ। तू क्या देख रहा है हमारी स्वागत में? मैं टिकट लिया हुआ। गजब बेइज्जती है। इंडिया में जो भी वर्ल्ड कप होने जा रहा है आप वो देखने जा रहे हैं? अरे कहाँ, इतना महंगा कद्दू जाएंगे देखने भाई? देखे कितने महंगे। अभी एक पोस्ट चली थी सामने और ये ऑफिशियल न्यूज है, इंडिया में जो अहमदाबाद में जो होटल जहाँ पे ये मैच होना है पाकिस्तान इंडिया का, वहाँ की जो होटल की प्राइस है ना बिफोर, यानी अभी उसकी प्राइस है 7,000, और आफ्टर उस होटल की प्राइस होगी एक दिन की तकरीबन 75,000। तो यहाँ के तो तकरीबन डबल से भी ज्यादा हो गए, 2 लाख रुपए हो गए।
मैं कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत में एक दूसरे के इतना करीब भी नहीं आना चाहिए कि दोनों में से किसी एक को नहाना पड़ जाए। तू समझा? समझ गए? नहीं तू समझा? हाँ गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत है। और कहता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि मैं ऊपर से करूंगा। बेशरम आदमी। कि मैं ऊपर से तुम्हारी तारीफ करूंगा, सफाई ऊपर से करूंगा, अंदर से दिल में मेरे खोट है। झूठ से भाई बात बताइए, क्या ये बात सच है? आप इस बात को मानते हैं कि प्यार जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल लिप्स से शुरू होता है और वर्टिकल लिप्स पे खत्म होता है? पूछा नहीं था। सीटी बजा दे रहा है, इशारा करते आप इस बात को मानते हैं कि फेसबुक की लड़की और वॉशरूम की चप्पल कभी किसी एक की नहीं होती? कोई भी पैन के अंदर चला जाता है, होता है भाई। अच्छा कोई मेहमान घर पे आए ना, आप सोफे पे यूं बैठ के बातें करो आराम से, और भाई कैसे हो? अच्छा मेहमान चला गया अचानक, अब आपने यूं बोला, फिर जिप खुली हुई थी। हाँ और मेहमान ने बताया भी नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि मैं नहीं बताऊं। मेहमान एंजॉय कर रहा है। आप देखो यार, हम पाकिस्तानियों ने भी क्या किस्मत पाई है। वाह वाह। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक, तनख्वाहें सब्जी मंडी के मुताबिक, और सहूलतें मवेशी मंडी के मुताबिक, और जाना कहाँ है? मंडी। ये क्या चक्कर है यार? जैन में ये है। धोखे से मुझे याद आया, अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है जालिम समझ हमें जीने नहीं देगा, चलो दरिया में कूद जाते। दोनों दरिया में कूद गए। बाद में लड़का ऊपर पहुंचा तो उसको फरिश्तों ने बताया, बोला बेटा तेरी वाली तो स्विमिंग चैंपियन थी। नहीं ये मैं आपको बताऊं, ये जाली बाबा का जो चक्कर होता है इतना खतरनाक चक्कर होता है, अब यकीन करो हमारे मोहल्ले में एक लड़के पे जीन चढ़ गया, बाबा को बुलाया, अब बाबा इत्तफाक से जाली निकल आया। बाबा लड़के से कह रहे बच्चा उल्टा लेट जा, लड़का कह रहा बाबा जीन निकालना है डालना नहीं है। ये क्या? This is the way of talking like that. ये कितनी अच्छी बात की है, वो बाबा मेरे जानने वाले, वो लड़का तू है, मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ ये वाक्या हुआ है। लेकिन आंटी आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपने दुनिया की सारी गंदी फिल्में देख रखी हैं। ऐसा क्यों? बस एक रह गई थी, आज मैंने दो बदू देख लिया। चलो आप अपनी आंखें भी सही करें। आप हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, एक थी, उसमें समझा दो आप मिला के, उस एक ही दिन में औलाद दे दी अपने मियां को। कैसे? वो साथ लेके आई थी, उसने बोला औलाद चाहिए, उसने नीचे से निकाला बैठ के नीचे, ये लो आप वाला केस। आज वो जवान हो गया ये बैठा। अच्छा हमारे तो तब भी मुंह खुल जाते हैं, हम गुटखा नहीं खाते, गुटखा खाते उनसे पूछो, यहाँ रख के चम्मच से ठूसते हैं। हमारा तो मसला तो यही है, हम लड़कों का जमीन मिली बंजर, तमीज से बात करें, क्या बातें कर रहे हैं? संडे को नाइट क्लब भी जाती है। नाइट क्लब काम जानती है, काम मैंने क्या कहा, काम जा, मैं काम जानती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मुझे शक था, यकीन हो गया, बेफिक्र। अच्छा आपकी जिंदगी का कोई ऐसा यादगार दिन जो आप सोचती हो काश ये दिन रात में आ जाए? या आपने बत्ती बुझा के खुद रात कर लियो? इसके एक दिन बाद में जवाब दूंगी तुम्हें। माशाल्लाह तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो, तो पिल्ले के अब्बू लग रहे हो। माशाल्लाह सिर्फ दांत गंदे। कमेंट में भी लिखा था किसी ने। ओके भाई ये सही है यार, एक्चुअल में ये बेस्ट ऑफ अहमद खान वाला है, एक्चुअल में सही है। सारे के सारे जो जबरदस्त वाले सेगमेंट्स थे ना पॉडकास्ट के सारे एक साथ, यार कितना मजा आ रहा है। मतलब भाई वो जो था ना, वो आंटी जो लास्ट में थी, शी धमाकेदार, शी सच्चे में धमाकेदार। पहली बार ही कोई ऐसी आंटी आई होगी जो बरकत और उज़्मी की बैंड बजा रही है भाई। लाइक एवरी टाइम तो हम देखते हैं कि बरकत उज़्मी रोस्ट कर देते हैं यार जो भी दूसरे आते हैं, वो आंटी फुल ऑन तैयारी के साथ आई है कि यार इनका बैंड बजना ही है। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट। थैंक यू।